अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। हमारे आज के टॉप 10 के स्पॉन्सर है medicalbazaar.com, क्लासरूम हंट एन एजुकेशनल वेबसाइट। भिवंडी में गिरी जिलानी इमारत के इंस्पेक्शन करते हुए कॉरपोरेशन के पैनल इंजीनियर जावेद आजमी ने बिल्डिंग गिरने की 4 वजह बताई। नो मेंटेनेंस, लीकेज इन ड्रेनेज लाइन, ग्राउंड फ्लोर पर लूम्स वाइब्रेशन और 36 साल का वक्फा। साथ ही जावेद आजमी ने कहा कि सिविक बॉडी ने 2016 में स्ट्रक्चरल ऑडिट कंपलसरी करवाया था, जिसके तहत पुरानी इमारतों का ऑडिट तो होता था पर लोग रिपेयर नहीं करवाते थे। भिवंडी की जिलानी बिल्डिंग के मलबे को हटाने के लिए NDRF के 47 जवान और अग्निशमन दल के करीब 30 लोग 3 दिनों से तैनात थे, लेकिन पटेल कंपाउंड के मुकामी लोग और आसपास के मोहल्ले वाले भी निस्वार्थ दिन रात दे रहे अपनी सेवा। करीब 100 से ज्यादा मुकामी कर रहे हैं सुरक्षा कर्मियों की मदद। जिलानी बिल्डिंग के मलबे में फंसे खालिद खान ने मलबे के अंदर से बनाया अपना वीडियो। हादसे का अफसोस जताते हुए कहा, अगर बच गया तो अल्लाह का शुक्र, वरना खुदा हाफिज। करीब 10 घंटों की मेहनत के बाद खालिद को बाहर सही सलामत निकाला गया। मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख ने आज भिवंडी में गिरी इमारत का किया दौरा। असलम शेख ने अफसोस जताते हुए कहा कि मैं सरकार के ऐलान किए हुए हरजाने को जल्द से जल्द पीड़ितों को दिलवाने की कोशिश करूंगा। साथ ही भिवंडी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने कॉरपोरेशन से भिवंडी में ट्रांसिट कैंप के साथ भिवंडी की बाकी धोखादायक इमारतों को जल्द से जल्द खाली करवाने की मांग की। IPL सीजन में सट्टेबाजी में आई उछाल। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मलाड़ के मरवे रोड पर बुकी संदीप जोशी को किया गिरफ्तार। संदीप 11 ID समेत 3 अलग अलग वेबसाइट से चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के मैच पर कर रहा था ऑनलाइन बेटिंग। मलाड पुलिस स्टेशन में गैम्बलिंग एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज। मुंबई के अग्रीपाड़ा में नाथानी रेसिडेंसी की लिफ्ट में फंसकर 2 वॉचमैन की हुई मौत। लिफ्ट के बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, जिससे लिफ्ट बंद पड़ गई। वॉचमैन की आवाज़ सुनकर लोग मदद के लिए दौड़े। फायर सेफ्टी ने आकर लिफ्ट का दरवाजा खोला, तब तक दोनों वॉचमैन की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। औरंगाबाद के MP इम्तियाज जलील ने लोकसभा में औरंगाबाद के पानी की समस्या को किया उजागर। आज भी औरंगाबाद शहर में 7 से 9 दिनों बाद पानी मिलता है। जहां जिले में जैकवाड़ी डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन सरकार पानी को शहर तक लाने में सक्षम नहीं। साथ ही इम्तियाज जलील ने सरकार की हर घर जल की योजना द्वारा औरंगाबाद शहर में पानी लाने की लगाई गुहार। आज भिवंडी में सकल मराठा समाज ने मराठा आरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण के लिए जान देने पर उतारू मराठा समाज ने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार मराठा को हल्के में ना ले। इंडिया में बढ़ते कोरोना पेशेंट को देखते हुए सऊदी अरब ने इंडिया से आने और जाने वाली सब फ्लाइट्स को किया इमीडिएट सस्पेंड। इंडिया में करीब हर रोज 1 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। आज भी इंडिया में कोरोना के 83,347 नए मामले सामने आए, जिससे इंडिया का कुल आंकड़ा पहुंचा 56,46,010, जिसमें 9,68,377 एक्टिव केसेस है। आज शेयर मार्केट में सुस्त रहा कारोबार। सेंसेक्स 65 अंकों की गिरावट के साथ 37,668 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 21 अंकों की गिरावट के साथ 11,131 पर हुआ बंद। गोल्ड 49,540 पर ट्रेड करते हुए और क्रूड ऑयल 2,943 पर ट्रेड करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई टॉप 10 के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू।